हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गणित शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट लेसन जो है गणित की प्रकृति, इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? नेचर बताना है, इनमें से कौन सा है गणित का? यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, वो है कि यह तार्किक है, मीन्स इट्स लॉजिकल। ओके, तो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ऑप्शन है हॉगवेन, स्कीनर, लॉक या बेंजामिन पेरिक। तो सही आंसर हमें बताना है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, बेंजामिन पेरिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है बेकन, ड्यूट, स्कीनर या कॉमेट? तो राइट आंसर इज, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बेकन। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर जो है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा डियर। ना तो गणित के नियम वस्तुनिष्ठ होते हैं और ना ही सार्वभौमिक होते हैं, तो सही आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ऑप्शन है कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग या अवबोधन? तो इसका हमें सही आंसर बताना है। देखिए, राइट आंसर जो होगा वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, अवबोधन। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम? तो देखिए, गणित को कहा जाता है, इसका जो सही आंसर है मस्तिष्क का व्यायाम, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये बताना है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की ये योजना विधि किसने दी है, मीन्स इसकी जो परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो या स्किनर? तो सही आंसर है किलपैट्रिक, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन, शैक्षणिक उद्देश्य, एजुकेशनल एम। ओके, यह वास्तविकता कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है किनका, यह पॉइंट ऑफ व्यू है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, राधाकृष्णन का? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, शिक्षा नीति 1986 का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि गणित को मतलब जो है बहुत से छात्र डिफिकल्ट मानते हैं और इसीलिए स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो ये दृष्टिकोण था शिक्षा नीति 1986 के तहत। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है, गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असंकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है या गणित एक मूर्त विषय है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कि गणित क्या है, एक रसहीन विषय है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन है व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो या आनंद की प्राप्ति ना हो? तो इसका जो सही आंसर होगा कि किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए गणित शिक्षण में एक शिक्षक को, आनंद की प्राप्ति न हो। ओके, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? तो हमें बताना है
इसका जो सही आंसर है, देखिए ऑप्शन है ड्यूट बेकन डटन हॉटसस, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, डटन का थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। ये सीटेट जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्यामपट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष जो रिमाइंडर होता है वो विभाजक से कम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप से निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। यह वस्तु को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 14 का राइट आंसर जो है वो है वस्तु को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा फोर्थ में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आंकलन निर्देश होंगे। सीटेट नवंबर 2012 में आया था क्वेश्चन। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है। दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है या सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है। रेखा का नाम बता सकता है। तो देखिए इसमें पूछा है कि कक्षा फोर्थ में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए जो आंकलन निर्देश होंगे, जो इंस्ट्रक्शन होंगी, तो सही आंसर है कि रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। ये सीटेट नवंबर 2012 में आया था। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है, या बुद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। तो किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है, मतलब दो संख्या ऐसी भी हो सकती हैं, है ना, 6 4 जा 24 या 12 2 जा 24, है ना, 4 6 जा 24, तो मतलब ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये है 5+3, यहाँ बताना है इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि जो है जो फिल करना है प्राप्त हो, या कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग यहाँ पर जो होगा, मतलब जो फिल करना है, या 5 और 3 का योग क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हमारा, सही आंसर जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा कि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग, मीन्स जो है यहाँ पर जो बनता है हमारा, जैसे 5 और 3 का योग 8 बनता है, तो इस तरह से वो सीमित उसको बताया कि दो संख्याएं बतानी है जिसका योग 8 बनता है, जैसे 4 और 4 8 बनता है, या 2 और 6 8 बनता है, ऐसे इस तरीके से दो संख्याएं बतानी है जिनका योग 8 बनता है। ठीक है, तो यहाँ गिवन करना था। नेक्स्ट है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। सीटेट सितंबर 2014 में आता है क्वेश्चन। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। कलन विधि एल्थागोरम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना, या परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए मानसिक गणित संबंधी गतिविधियों के माध्यम से छात्र क्या करते हैं, तेज गति से समस्या का समाधान करते हैं और सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उनको करने का प्रयत्न करते हैं। तो यह छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करता है, तो इसी वजह से
इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं सीटेट सितंबर 2015 में आया था मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए या शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। इसका सही आंसर है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। ओके, तो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। सीटेट सितंबर 2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो इनमें से देख लीजिए, खुला अंत वाला जो प्रश्न है वो है कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये खुला अंत वाला प्रश्न है, ओपन एंडेड। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। सीटेट सितंबर 2015 में आया था क्वेश्चन। तो सबसे बेस्ट जो है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए वो है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय जो है संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ये तो सही है, और इसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। ये गलत होगा। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ये भी गलत है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन जो सही है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, रेफरेंस भी दिया जाना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। सीटेट सितंबर 2015 में आता है क्वेश्चन। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है, जो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो वो है संरक्षण। देखिए, पंक्तिबद्धता तो है, गणना करना भी है और अंक लिखना भी है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, संरक्षण। अगला क्वेश्चन है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर्विषय को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। सीटेट सितंबर 2016 में आया था। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची या क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। तो देखिए, अंत विषयों को विकसित करने के लिए सबसे पहले जो डिफरेंट एरियाज है उसका भ्रमण करके, सर्वेक्षण करके, ऑब्जर्वेशन के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसके बाद परियोजनाओं का गठन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सीटेट सितंबर 2016 में आया था। अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकेकी संगतता सिद्धांत या अमूर्तन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। देखिए डियर, इसका जो सही आंसर होगा अमूर्तन सिद्धांत जो है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, इस सिद्धांत के अनुसार क्या करता है छात्र, मतलब कुल वस्तुओं की गिनती ना करके वो अलग अलग वस्तुओं को गिनता है, जबकि सभी को विभिन्न वस्तुएं न मानकर एक साथ ही गिनता है। और असंगत सिद्धांत में क्या करता है, इस सिद्धांत के अनुसार कुल वस्तुओं की जो गिनती में क्रम है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि ये मतलब ये प्रतीत होता है कि छात्र ने किसी विशेष क्रम अनुसार गिनती की है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए डियर सीटेट में ना इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्रतिरूप, पैटर्न, कोण, सम्मिति या चौपड़। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए प्राइमरी लेवल पर जो पैटर्न्स होते हैं और सम्मिति और चौपड़ जो है ये तो प्राइमरी लेवल पर आते हैं, लेकिन जो एंगल है, कोण है, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सीटेट सितंबर 2016 में भी आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा
सेकेंड ऑप्शन इज राइट जो है कोण। ओके तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।